हेलो एवरीवन, आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। आइए दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को अपने तरफ का मौसम का हालचाल और उसके साथ मैंने आज लंच में बैंगन और उसके संग बड़ी की सब्ज़ी बनाई थी, वही रेसिपी मैं आज आप लोगों को दिखाऊँगी। तो ये देखिए दोस्तों, जैसा कि अभी सुबह का 9 बजने का टाइम हो रहा है और आसमान में पूरा काला काला बादल छाया हुआ है, बट ऊपर से धूप भी आ रहा है, तो मतलब आज भी बारिश होने का कोई अंदेशा नहीं है दोस्तों। समझिए कि आज भी बारिश नहीं होगा। उसके बाद चलिए दोस्तों, जैसा कि मैं आज ब्रेकफास्ट में फिर से गोलगप्पा बनाई थी, आज मैंने ब्रेकफास्ट में यही पानी पूरी खाई हूँ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, जब मैं छत पे कपड़ा लाने गई 11 बजे के करीब दोस्तों, तो ये देखिए जो 10 बजे फूल खिल कहलाता है वो खिल चुका है। ये फूल दोस्तों 10 बजने के बाद ही निकलता है, इसीलिए इसको 10 बजे फूल का नाम बोला जाता है। जैसा कि ये दोस्तों आप ये डाली छोटा छोटा देख रहे हैं, इसी को तोड़कर मिट्टी पे लगा दीजिएगा तो इसका पेड़ हो जाता है और मिट्टी पे पूरा फैल जाता है जैसा कि। उसके बाद चलिए दोस्तों, मैं लंच बनाने का काम शुरू करती हूँ, तो ये रेसिपी मैं आप लोगों को आज दिखा रही हूँ। जैसा कि शादी ब्याह में बैंगन बड़ी का सब्ज़ी बनाया जाता है दोस्तों, वही सब्ज़ी आज मैं अपने घर पे बनाई थी, बट मैं उसमें आलू मिक्स करके बनाई थी। तो ये सब्ज़ी बनाने के लिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने कुकर को गैस पर चढ़ा दी हूँ और उसमें सरसों का तेल डाल दी हूँ। जब तेल गर्म हो गया तो उसमें सबसे पहले मैंने बड़ी को गोल्डन फ्राई भूनी हूँ दोस्तों। उसके बाद जब मेरा बड़ी अच्छे से फ्राई हो चुका है तो उसको निकाल कर फिर उसी कुकर में थोड़ा तेल और ज़्यादा डालकर फिर उसमें जीरा और तेज़पत्ता फ़ौरन डाल, जब फ़ौरन हो गया है तो उसमें जो मैंने आप लोगों पहले बेसिक मसाले दिखाई थी पिसी हुई थी, उसमें धनिया, मिर्ची, राई, जीरा, काली मिर्च, हल्दी, यही सब उसी को डालकर अच्छे से भूनूंगी। जैसा कि तेल जब तक सेपरेट ना हो जाए दोस्तों और मसाले अच्छी तरीके से फ्राई ना हो जाए। ये देखिए दोस्तों, मेरा मसाला फ्राई हो रहा है। जब दोस्तों मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो उसमें मैंने जो आलू और बैंगन को कट करके धोकर रखी हुई हूँ उसको मसाले के संग अच्छे से पहले मिक्स कर दूंगी। उसके बाद जब ये अच्छे से मसाले के संग मिक्स हो जाएगा तब उसके बाद जो उड़द की बड़ी को फ्राई करके रखी हुई हूँ फिर उस बड़ी को इसमें मिक्स कर दूँगी दोस्तों।
ये देखिए दोस्तों, मैंने बड़ी और आलू बैंगन मसाला सबको आपस में मिक्स कर दी हूँ। उसके बाद दोस्तों इसमें अपना ग्रेवी के अनुसार, मतलब ज़्यादा रखना है तो ज़्यादा, कम रखना है तो कम, हिसाब से पानी डाल दूंगी। उसके बाद ढक्कन बंद कर दूंगी। उसके बाद 1 से 2 सीटी लगा दूंगी, फिर सब्जी बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों बैंगन बड़ी और आलू की सब्ज़ी बनाया जाता है। प्लीज़ दोस्तों आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनाए होंगे तो, और बनाए होंगे तो फिर इसका तो टेस्ट आप लोगों को पता ही हो। ये देखिए दोस्तों, मेरा सब्ज़ी बनकर तैयार हो गया। उसके बाद चलिए दोस्तों, मैं अपना लंच का थाली लगा लेती हूँ लंच करने के लिए। तो ये देखिए जो दोस्तों, मैंने आज लंच में जो बैंगन बड़ी की सब्ज़ी बनाई थी वो, और चावल और दही, आज का मेरा लंच यही था दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों मैंने भाभी की तरफ गई थी, क्योंकि आज मार्केट सब्ज़ी मंगवाने का दिन था, सैटरडे, तो आज सब्ज़ी मंगवाने के लिए गई थी। तो ये देखिए दोस्तों, भाभी की तरफ चाट आया हुआ था, तो मेरे को भी चाट खाने को मिला, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं भी चाट खाई। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, मैंने मार्केट से आज नेनुआ, परवल, भिंडी, कुंदरी, कद्दू, केला, यही सब दोस्तों आज ग्रीन वेजिटेबल मंगाई थी। उसके संग मसाला में लहसुन और रेड चिल्ली, मतलब लाल मिर्च मंगवाई थी दोस्तों, और एक आज रिफाइंड तेल मंगवाई थी। आज मैंने मार्केट से यही सारा चीज़ मंगवाई थी दोस्तों। वैसे भी दोस्तों अभी तक सब्जी का मार्केट महंगा ही है, अभी तक सब्जी का दाम थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ है दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में भी आप लोगों को मैं बता चुकी थी, और अभी भी सब्जी का दाम उसी तरह का बना हुआ है। ये देखिए दोस्तों, रिफाइंड तेल, थैंक यू दोस्तों।